डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव में डेरिवेटिव से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री और लॉग के सिंप्लीफिकेशन भरे पड़े हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने। 9.8 हर एक स्टूडेंट बनने वाला है चैंपियन। डी स्टूडेंट वेलकम टू मंधान अकेडमी, आप सभी का स्वागत है मंधान अकेडमी में। दिस इज ए के मंधान एंड ए के मंधान इज बैक। आप देख पा रहे हो टाइटल और थंबनेल से एचएससी का टाइम टेबल आ चुका है। अब आगे की स्ट्रेटेजी कैसे, हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल, कैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स इन सारे सब्जेक्ट को मैनेज करने वाला है, इस वीडियो में हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ मैं एक ही चीज करूंगा, अगर आपको वीडियो को एंड तक नहीं देखना है तो देखिए, इफ यू हैव अ विल पावर तो आप कुछ भी कर सकते हो। इवन इफ यू थिंक कि 90 डेज पड़े हैं, 90 डेज में ऐसा क्या होगा, आई वुड से डेफिनेटली बहुत कुछ हो सकता है। हम जीतेंगे, वी आर विथ यू, आवर टीम विल हेल्प यू। सो डेफिनेटली एक ट्रस्ट अपने ऊपर रखिए, बिकॉज वी कॉल यू चैंपियन। सो लेट्स बिगिन, और हम जीतेंगे। एक बात आप ख्याल में रख लीजिए, एवरीथिंग स्टार्ट ओवर हियर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यू आर द चैंपियंस एंड वी विल स्टार्ट विथ हम जीतेंगे। डी स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे टाइम टेबल दीजिए, टाइम टेबल दीजिए। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। आपकी तीन प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या फिर पीसीएम में आप ग्रुप से होंगे। आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई लगभग लगभग सिमिलर ही है। नाउ टाइम मैनेजमेंट आपको कैसा करना है, एक्सेप्ट कोचिंग, इफ यू आर टेकिंग कोचिंग, इफ यू आर टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। स्टडी 1 आवर ईच सब्जेक्ट, वेदर इट इज ऑनलाइन लेक्चर और ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। वहां जो टॉपिक हो रहा है उसका सिर्फ आपको घर आके रिविजन करना है, दैट इज फॉर 15 मिनट्स ईच सब्जेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट द सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी इज अ स्कोर बूस्टर, रैंक बूस्टर। आपका एग्जाम में जो भी मार्क्स आएंगे वो सेल्फ स्टडी से आएंगे। कीप इन माइंड दैट टीचर चाहे कितना भी पढ़ा दे, आपका स्कोर तब तक नहीं आ सकता जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो सेल्फ स्टडी करना काफी जरूरी है, उसके लिए स्ट्रेटेजी आके देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए बता दूं तो 1 घंटा आपको डेली स्टडी करना है। अब जो लोग महारथी कहते हैं 1 घंटे में कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग, 1-1 घंटा अगर करोगे तो नेक्स्ट 90 डेज में आपका 70-80% प्रिपरेशन हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट। समझ में आ रही है बात? आप बोलोगे हम हफ्ते में 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलता है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और डेफिनेटली 1 महीना आप रूटीन अच्छे से बना के रखोगे ना, 1 महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि कमबैक करना भी इंपॉर्टेंट है। 8-10 दिन बच्चा पढ़ता नहीं है तो थोड़ा सा लो हो जाता है, वो लो में आपको नहीं जाना है, एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। सी, ये सिलेक्टेड स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है कि आपको 1-1 घंटा पढ़ना है। इफ यू विश टू वर्क हार्ड, अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग का टाइम लिमिटेड है, एज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर बिजी इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट। तो आप 6 घंटे आपके वहां जा रहे हैं, कॉलेज के प्रैक्टिकल हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 1-1 आवर ईच सब्जेक्ट। अदरवाइज यू कैन पिच इट फॉर 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? सो केमिस्ट्री आपको स्पेंड करना है 1 आवर और मैथमेटिक्स आपको स्पेंड करना है 1 आवर, बायो है तो वो 1 आवर, ठीक है। अगर आपकी कोचिंग नहीं है तो ये 2 आवर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कि आपका इंग्लिश भी है, हिंदी है, किसी का आईटी है, ज्योग्राफी है, सीएस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स कलेक्ट कर रहे हैं और इन्हें पढ़ना भी शुरू कर दें। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट गेम चेंजर, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है ना, वो है पास्ट ईयर पेपर। जैसे कि आप सब जानते हो, एग्जाम में पास्ट ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस कोई नहीं ठुकरा सकता। तो सबसे पहले आपको हर चैप्टर के वो क्वेश्चन स्टडी करना है। क्या बोला मैंने? हर चैप्टर के वो क्वेश्चन स्टडी करना है। क्या बोला मैंने? हर चैप्टर के वो क्वेश्चन स्टडी करने जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं।
समझ में आ रही बात? उससे होगा ये कि अगर एक चैप्टर टफ है, मान लेते हैं फिजिक्स में आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर टफ लग रहा है, ठीक है, तो उसे स्किप करने के बजाय आप उसमें पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं आप उन्हें करके जाए, गारंटी है आपको फिर से दिखेंगे। और ऐसा मैं नहीं कहता, आप फिजिक्स के टीचर से जाके पूछ ले, वो भी आपको यही कहेगा। साथ ही साथ एक और गेम चेंजर स्ट्रेटेजी है कि जैसे कि आपको पता है हमारी एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, तो थोड़ा आप एक चीज करें कि एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट दें पर सब्जेक्ट की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। 70-80% आपका हो गया ना, जस्ट ट्राई टू गिव द मॉक टेस्ट, ठीक है। और ऑफलाइन आपका रिटर्न वर्क रहेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ रिटर्न वर्क इन्वॉल्व। एज यू नो दैट एचएससी के सिलेबस में इस अब की बारी एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हो गए, सो इट इज अ बिगेस्ट यू नो बूस्टर फॉर योर रैंक। इफ यू प्रिपेयर वेल आपका स्कोर ऊपर लेके जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो यही स्कोर नीचे लेके जाएगा। देखिए, एक ही चीज किसी के लिए एडवांटेज बनती है, वही दूसरे के लिए डिसएडवांटेज बनती है। तो ऐसा ना हो कि आप छोटे छोटे कंसेप्ट छोड़ के आ जाएं। सो इवन इफ यू स्टडी द सिलेक्टेड टॉपिक्स आउट ऑफ 80 इन द फिजिक्स, 30 आप इजीली बना सकते हो, इजीली, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, पास्ट ईयर पेपर जाके स्टडी करो चैप्टर वाइज, तो हर चैप्टर में जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं 2019, 18, 17, मार्च, अक्टूबर, उन सारे कंसेप्ट को करके ही जाए, डेफिनेटली आपको ये काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट की भी प्रिपरेशन जरूर करें। अब रही बात तैयारी कैसे करें, हर चैप्टर को कैसे एलेबोरेट करें। सी राइट नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैं मेरा एक ओपिनियन बताता हूं, सो ओपिनियन ऑन हाउ टू स्टार्ट। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हो हर चैप्टर्स, जैसे कि मैथमेटिक्स की एक बात करूं, आपके पास पार्ट वन है और पार्ट टू है। राइट नाउ यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्री किए बिना पार्ट टू में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट टू में डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है। तो देखिए, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पहले कुछ बेसिक्स की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं मैथ्स की बात करूं, तो पार्ट टू स्टार्ट करने के पहले एटलीस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, इतना टॉपिक पढ़ लेना है। अब सवाल आते हैं हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट विथ स्मॉल एंड स्टार्ट विथ इजियर। जो इजी चैप्टर्स हैं आप उन्हें करके साइड करते जाएं, उससे कैसा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होते जाएगा। और इनिशियली अगर आप टफ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इतना देख लो कि उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑर्डर स्किप कर दोगे, आप शफल करके ना चले, अपने टीचर से एक स्केड्यूल बना ले और एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही चैप्टर को पढ़े। ऐसा ना हो कि सीधे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें और आपको पता चले कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको अगर दोनों में से एक भी नहीं आता तो आप सर्वाइव कैसे करोगे वहां। साथ ही साथ जैसे ही आप पढ़ोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आपको पता चलेगा इसके लिए इंटीग्रेशन जरूरी है। तो चीजों को आप ऑर्डर में करें, प्लीज एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट। जहां तक के बात आती है ट्वेल्थ के मैथ्स की, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री के बिना आपका पत्ता भी नहीं हिलने वाला। हर चैप्टर में लॉग और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे आ रखा है जैसे तुम्हारी रगों में क्या दौड़ रहा है, कुछ तो दौड़ता है ना रगों में, टेस्टोस्टेरोन नहीं, ब्लड, तुम्हारी रगों में जैसे खून दौड़ रहा है, मैथ्स की रगों में, ट्वेल्थ के मैथ्स की रगों में ट्रिग्नोमेट्री दौड़ रहा है। डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव में डेरिवेटिव से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री और लॉग के सिंप्लीफिकेशन भरे पड़े हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, ट्रिग्नो और लॉग का बेस्ट बेसिक्स एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री विद इन फाइव आवर्स खत्म कर रखा है। 10 मार्क मैं कन्फर्म करूंगा, आप पढ़ो हम पढ़ाएंगे, 10 मार्क आपके 5 घंटे में कंफर्म, एक दिन में कर सकते हैं। सो ऐसा कोई टीचर आपको अवेलेबल करके दे रहा है कि जाओ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर पढ़ लो? कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आप क्लास नहीं जाते हो, मिस हो गया, यहां ऐसा नहीं है। आप वीडियो लेक्चर जाके पढ़ो, 5 आवर्स, विद इन 5 आवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म, गेम ओवर। साथ ही साथ लॉगरिथम 2 आवर्स का एक्सप्लेनेशन है, 0 to 0, इसमें बोर्ड्स और जेई मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। ये 7 घंटे आप पढ़ लो, पार्ट टू आप यू निकालोगे। हाउ टू स्टार्ट पे आ गए, छोटे छोटे से स्टार्ट करना है, सीक्वेंसेस आना है,
किसी चैप्टर के लिए अगर बेसिक्स की नीड है तो आपको एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। टाइम टेबल रिलीज होने के साथ एक चीज आपको ख्याल में रखनी है, वो है देखिए कभी कभी कोई चैप्टर लेंदी होता है तो इट टेक्स टाइम टू कवर, तो अपनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस और मोटिवेशन को मेंटेन करके चलेंगे, जो कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज विन। कल के लिए एक बम्पर सरप्राइज है, सही सुना आपने, मैं मैथमेटिक्स का कंप्लीट टाइम टेबल अपलोड करूंगा, साथ ही साथ महाराष्ट्र सीईटी ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है जो भी स्टूडेंट्स अपियर करने वाले हैं उन सभी के लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, टुमारो आई विल अपलोड कि क्या एमएसटी सीईटी का अपडेट है और मैथ्स के 40 मार्क्स का मैं प्रिडिक्शन देने वाला हूँ। सो जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, द टीम वॉज विद लिटिल बिजी इन मेकिंग नोट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, सो आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लिटिल पेशेंस। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम पेपर प्रिडिक्शन करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, दिस इज ए के मंधान एंड विश यू अ गुड लक। हो गया वीडियो, जाओ, हो गया, मैं भी जाता हूँ।